मिली है दूसरी ब्लॉक के अंदर जिसके हमने चाप का भंडारा करा है। थैंक यू। और जो जो भी ब्लॉग को लाइक एंड शेयर करेगा गुंजन वो उसके लिए चाप का भंडारा करने वाली है। अच्छा, आके फ्री में खाएंगे, तो प्लीज इसको शेयर एंड लाइक करें और चाप का भंडारा। अरे बेस्टी मारते रहते हैं, पर आ रही है चिकन खिला रही है। नूर बहुत अच्छी है, फॉलो करो उसको, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट ठोक दो सब कुछ। अच्छा और कुछ ये कह रहा, मैं चुप रहूंगा। मैं चुप ही रहता हूं। एवरीवन सत श्री अकाल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ, अनप्रडिक्टेबल दोबारा से। तो देखो क्या होता है आज, क्या नहीं होता। अभी तो मैं बस ऐसी बैठी हुई थी काम वाम करके, अपना थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद थोड़ा वॉक पे चली जाऊँगी। देखो क्या करती हूँ। अभी तो मन्नी जी तो जा रहे हैं, हम यार लाइट चलाइए यार, ये रोशनी 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 और मिसिंग है शडाप लबाद लबाद लदाब 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 लदाब। भाई देख आप क्या बना रहे हो पहले बताओ मुझे, चिकन टिक्का या मलाई टिक्का? और हमारा क्या बना रहे हो आप? तो चिकन बन रहा ना, मैं नहीं बना रही हूं। तो हमारा बनाओ कुछ, इधर नेक्स्ट टाइम बताना थोड़ा सा, बन ठंड के आएंगे थोड़ा बनाना कुछ। कैसा है? फकिंग ऑसम। मिली है दूसरी ब्लॉक के अंदर जिसके हमने चाप का भंडारा करा है। थैंक यू। और जो जो भी ब्लॉग को लाइक एंड शेयर करेगा गुंजन वो उसके लिए चाप का भंडारा करने वाली है। अच्छा, आके फ्री में खाएंगे, तो प्लीज इसको शेयर एंड लाइक करें और चाप का भंडारा कमल से करें। और ये मिस्टर भंडारा जी भंडारा बंडाना। एक तो लंबा इतना है मेरा, पूरा कैमरा ऊपर चला गया। कहाँ घूम रहे हो ये बदतमीजियों की तरह? कैसा है भाई? देखो हम नूर की तारीफ करेंगे, अरे बेस्टी मारते रहते हैं, पर आ रही है चिकन खिला रही है। नूर बहुत अच्छी है, फॉलो करो उसको, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट ठोक दो सब कुछ। अच्छा और कुछ ये कह रहा, मैं चुप रहूँगा। मैं चुप ही रहता हूँ। हुआ थोड़ी देर पहले मैं ऐसे ही अपना बैठी हुई थी घर पे, मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था आज, तो मैंने सोचा चलो ठीक है गाने वाने सुन लेती हूँ, थोड़ा पार्ट्स कर लेती हूँ, कीर्तन सुन लेती हूँ, सब कुछ किया मैंने। ऐसे वॉक कर रही थी, फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठी, मैं सिर्फ सोच ही रही थी कि मैं मनी को कॉल करती हूँ, अनुराग वगैरह को कॉल करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैं होंगे यार बिजी होंगे छोड़ो। फिर आफ्टर लाइक 5 मिनट्स अनुराग का कॉल आ गया, कहते नीचे आ जा हम तुझे लेने आ रहे हैं। और मैंने कॉल भी नहीं किया था उनको, नीचे आ जा हम तुझे लेने आ रहे हैं, चलो कुछ खाने पीने चलते हैं। फिर मैं गई, इतना अच्छा लगा ना, कई बार ऐसा लगता है कि सम टाइम गॉड इज़ लिसनिंग टू यू वेरी क्लोजली। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा अच्छा सोचा करो कुछ भी, मतलब मेरा तो बस एक इंस्टिंक्ट ही आई थी ऐसे, मेरा बस माइंड में क्लिक ही हुआ था कि मन था मेरा और वो चीज़ हो गई। तो मैंने बोला चलो ठीक है बढ़िया। फिर जब वहाँ से करण का मैसेज भी आ गया, कहता कहाँ पे है? मैंने बोला यहीं पे हैं, खा रहे हैं रोल वगैरह। तो कहता चल ठीक है आता हूँ। फिर वो भी आ गया, गगन भी आ गया, फिर सारे मिल लिए। इतना अच्छा लगा, एकदम से मेरा मूड चेंज हो गया। लाइक वाओ, अच्छा ऐसे मेरा किसी से मिलने का प्लान भी नहीं था और एकदम से होगा। और जब एकदम से ऐसे सरप्राइज़ मिलता है ना आपको, एकदम से आपके दोस्त आ जाते हैं आपको मिलने में, बहुत अच्छा लगता है कसम से। अभी मैंने लगा दिया है ग्रीन क्ले फेस मास्क, और ये फेस मास्क मुझे आया था, ये था वो फेस मास्क लाइट अप बीम ग्लेशियस ग्लोमर्ट। तो ग्लोमर्ट है ये, और जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो बहुत कमाल के हैं। इसके अंदर विटामिन एफ है, रोज़ है, कैमोमाइल है, और इसमें न्यूजीलैंड की जो ग्लेशियस क्ले होती है वो भी है, और बाकी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये प्रोडक्ट मेरे को उन्होंने भेजा था अराउंड आई गेस 4 मंथ्स बैक, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसको ले सकते हो, डिटॉक्सिफाई करता है फेस को। ग्रीन क्ले वैसे भी फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, मैंने ग्रीन क्ले अमेज़ॉन से भी मंगवा के रखी थी फ्रेंच क्ले, उसको मैं दही में डाल के यूज़ करती हूँ। बट ये एकदम इसको कुछ बनाना नहीं पड़ता, एकदम रेडी टू अप्लाई मास्क है, तो इसको बस उठाओ, और इसमें अंदर स्कूप भी है बड़ा अच्छा सा, तो उसको लगाओ और 10 मिनट के लिए छोड़ दो और अपना फेस धो लो, काफ़ी क्लियर हो जाता है इससे फेस। उतार के आ जाओ,
मैं बिग बॉस देखता हूँ और मैं चॉकलेट खाता हूँ, है? वाह इधर इधर गुड्डू, ये बहुत कुछ कर सकता है, ज़ाइलोफ़ोन होता है ये, कैसे बजाते हैं उसको, बजाओ बजाओ, डू इट। तो नूने बेबी हो, आपको तो पता है इस पे कौन सा लगेगा, आपको पजल सॉल्व करनी आती है, वेरी गुड गुड बेबी। ये ब्रश नहीं बेटा, इसको रख दो, आईब्रो पेंसिल है। हाँ आपको सब पता है बेटा मेकअप के बारे में, बट आप नहीं लगा सकते, मैं ब्लश कर सकता हूँ, ब्लश कर सकते हो बस। माय गॉड यू नो एवरीथिंग, वाह इतना अच्छा डांस। अच्छा ऐसे ऐसे कैसे डांसिंग कर रहा था, करके दिखा दे, आ डांसिंग करके दिखा दे कैसे कर रहा था, ऐसे 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 ऐसे, ओ वाओ बंदर। हाँ लगा लो, ये गुलाब जल है, मुझे लगा मस्की, तो आईज क्लोज। ओह माय गॉड स्किन केयर एक्सपर्ट नोना है, स्किन देख लो, तुम लोग स्किन देख लो आप सर, वाओ ओह माय गॉड, यहाँ से फील का बॉय बनना है आपने बड़े होके, फिर है ये सोचा हुआ ना आपने, नोटिफे शाले मुंह पे तो लगा दिया, कितना लगाऊं, माश की तो गिर गई, पूला तो किया, ओह गॉड मॉस्किटो व्हाट हैपेंड लड्डू तो कैसे है के, नो डोंट बाइट मी, ओके मॉस्किटो से लगा के ठीक हो जाएगी, नहीं बला वाला लो, बला वाला तो लिया है, ये बला वाला लेना था, कितना बड़ा, ठीक है अब ठीक हो गई चोट, है मेरे ड्राम में इतना चपेटू है ना तू, इतना चलाक बच्चा मैंने देखा नहीं आज तक। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा एंड हैप्पी गुरपुरब, 12 बज गए हैं और मैं सिर्फ उठी हुई थी अभी ताकि मैं विश करूं बाबा जी को गुरपुरब, और पाठ मैंने रात को पहले ही कर लिया था, and happy Gurpurab to all of you, may God bless you all, आप सब खुश रहो, और जो हमें गुरु नानक देव जी ने चीज़ें समझाई हैं, जो सिक्ख्या उन्होंने दी हैं, उनको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। तो आई होप बहुत अच्छा रहे आप सबका ये दिन, और अभी मैं लगी हूँ सोने, बाकी का व्लॉग मैं कल स्टार्ट करूँगी कैसे मैंने अपना गुरपुरब सेलिब्रेट किया। मे गुरु नानक देव जी ब्लेस यू ऑल, और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, ट्राई जब आप कल सुबह सो के उठो तो आप थैंक यू बोलो एक और दिन के लिए कि आपको एक और दिन दिया, आप खुश हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, और गुरपुरब तो है ही तो विश तो ज़रूरी करना बाबा जी को, और सबके लिए सरबत दा पला मंगियो क्योंकि सब में सब आ जाते हैं, तो खुश रहो सारी, एंड आई एम एंडिंग दिस व्लॉग नाउ एंड आई विल मीट यू सून, बाय।